Good morning, children. Okay, hope you all are fit and fine. Today we will begin with a new chapter, waste disposal. अब इस waste disposal में बताया गया है two categories of waste, एक है biodegradable और एक है non-biodegradable. Okay, biodegradable waste क्या होता है बेटा, जो naturally decay हो जाता है, ठीक है, और harmful नहीं होता. और non-biodegradable waste जैसे प्लास्टिक बॉटल्स वगैरह ये होती है ना, जो इजीली डिके नहीं होती, तो उसके बारे में बताया गया है. और इसके इल इफेक्ट्स क्या होते हैं, जगह जगह हीप ऑफ गार्बेज इकट्ठा होता है, रैग पिकर्स चढ़ते हैं उस पर, जगह जगह से जो लिक्विड निकलता है फैक्ट्री से, है ना, वाटर को कॉन्टेमिनेट करता है, ग्राउंड वाटर को कॉन्टेमिनेट करता है. तो उन सब के क्या इल इफेक्ट्स होते हैं और क्या स्टेप्स उठाने चाहिए हमें. Waste can be segregated, means separated, write the meaning, into biodegradable or non-biodegradable waste. Biodegradable, I told you, able to decay naturally. Yeah, हम लिख सकते हैं, it is not harmful. Or non-biodegradable waste means that is not able to decay naturally. Biodegradable waste, देखिए आगे लिखा हुआ है. उसमें इंक्लूड होते हैं ऑल दोज थिंग्स दैट कैन बी ईजली डीकम्पोज बाय नेचुरल एजेंट्स. द डीकम्पोज मैटर जो है इवेंचुअली मिक्सेस और रिटर्न्स टू द सॉइल, है ना, जो आराम से, है ना, डिके हो जाता है और मिक्स हो जाता है वो सॉइल के साथ, जैसे वेजिटेबल्स या वेजिटेबल स्क्रैप्स वगैरह ये सब चीज़ें होती हैं. Those materials which cannot be broken down or decomposed by natural agents, है ना, और natural agents द्वारा जो चीज़ें, है ना, टूट नहीं सकती हैं, decompose नहीं हो सकती हैं, decay नहीं होती हैं, ठीक है, उनको label करा गया, उनको बोला गया है non-biodegradable. This kind of waste जो है वो soil में thousands of years तक, जबी तो ban है on the use of plastic and plastic bags, समझ में आया बेटा, वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है एंड कैन बी डेंजरस फॉर द एनवायरमेंट.